dear students good morning to all of you here i am Manjay pramanik from kbc rpf mokamagat last day i suggested uh, an activity to do in your home and uh, most of you replied me with photo of your activity and regarding this activity here you can see an observation table an observation table and you have to put the data put the information on it uh, in it बट हेयर टूडे इन दिस क्लास आई विल डिस्कस सम पॉइंट क्योंकि जो uh, जो एक्टिविटी आपको दिया गया था उसमें डेढ़ या दो दिन समय लग जाएगा चाना को स्प्राउटिंग करने का एक्टिविटी दिया गया था तीन बॉल में अलग अलग करके अलग अलग कंडीशन में चाना के दाने को रखने के लिए कहा गया था जो आप रखे थे एक बॉल में चने के दना को पूरी तरह से पानी में डुबो के रखना था दूसरे बालों में चने के दना को भींगे हुए कॉटन के कपड़ों में लपेट के रुई में भींगा हुआ रुई में लपेट के रखना था और तीसरा वाला बाउल में चने को सूखे चनों के ऐसे ही सिर्फ सूखे चना को ऐसे ही रख देना था तो वो आप देखेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे उसके अनुसार यू विल पुट द इंफॉर्मेशन इन द ऑब्जर्वेशन टेबल ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन सो दैट Uh, that cannot be discussed here in this class I will discuss the point here, you can see tail and right. The first one is in which bowl did the seeds sprout, what difference did you see between this bowl and the other bowl then uh, this question also based on your activity and second one also, why did Gopal's mother tie the chana in a damp cloth this one also

जो अंकुरित होने का समय होता है जो स्प्रॉटिंग होने का समय होता है वो डिपेंड करता है दूसरी बात यहाँ एक आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ जो है ये किस चीज़ का दाना है ये मसूर का दाना है तो मसूर का दाना क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि वेन यू स्प्लीट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल जब भी हम किसी दाने को तोड़ देते हैं और दो हिस्से में बांट देते हैं देन दैट कैन बी कॉल्ड दैट कैन बी नोन एज दाल बट वेन दैट कंसिस्ट और एग्जिस्ट एंड कॉम्बाइनली देन दैट इज सीड बट ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी दाने को जैसे चने का दाना हो या फिर मसूर का दाना हो जिसका दो पार्ट होता है अगर हम उसको तोड़ दें तो उससे स्प्राउटिंग नहीं हो पाता है वो दाल में बदल जाते हैं और हम चना पूरा एक साबुत चना को स्प्राउटिंग कर सकते हैं लेकिन चने के दाल को स्प्राउटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अलग हो जाते हैं इसीलिए मसूर के दाना कह रहे हैं वेन यू स्प्लीट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल जब आप आ, स्प्लीट कर देते हैं मुझे अलग कर देते हैं दोनों हिस्सों में बांट देते हैं तब मुझे दाल कहा जाता है बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी कैन यू थिंक वाई तो तब इनको स्प्राउट नहीं किया जाता है और क्यों तो इस पर आप सोचेंगे ये आपके लिए क्वेश्चन है और यहाँ एक आज के लिए कम फॉर फॉर दिस क्लास फॉर टुडे योर वर्क इज ड्राइंग ड्राइंग रिगार्डिंग लुक केयरफुली स्प्राउटेड चाना एंड मेक इट्स आई आई थिंक दैट एक्टिविटी रिगार्डिंग जो चाना आप रखे थे एक्टिविटी के लिए वो अभी तक स्प्राउटिंग नहीं हो पाया होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो चाना स्प्राउटिंग चाना का यहाँ फ़ोटो है इससे आप चित्र बना सकते हैं कि स्प्राउटिंग चाना देखने में कैसे होते हैं तो आज के लिए आ, आप ऑब्जर्व करते रहिएगा आपका जो एक्टिविटी दिया गया था उसको और जब आपका एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको फुलफिल करना है देन आपको ये जो दो क्वेश्चन है यहाँ एक्टिविटी रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आज के लिए आपको जो मस्ट करना ही है वो है ये ड्राइंग आप स्प्राउटिंग चाने या फिर स्प्राउटिंग और भी तरह तरह के जो दाल या फिर सीड्स होते हैं उसकी जो स्प्राउटिंग का चित्र होता है सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम दैट इज़ Your work for today, uh, you have to draw a picture regarding uh, sprouting of seed. Here you can see uh, sprouted chana. So uh, I think you can do it and you will reply very soon. Thank you.